कोई कोई खड़ा है आंख के पीछे, देख शायद कोई, मैं बोल रहा हूँ कोई है इसके पीछे। दिखाई नहीं ना, विश्वास नहीं करेगी भाई कोई। कैमरा चालू ले भाई। हाँ भाई। हाँ आगे बढ़ते भाई। जय हिंद दोस्तों, जय माता दी। स्वागत आप सभी प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों का उस ऑफिसर में, जो मेरे से बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम। तो आज मैं ऐसी लोकेशन पर आया हूँ जहाँ पे इस वारदात को आज से करीबन 30 से 35 साल बता रहे थे भैया, ज़्यादा 70 साल हो गए। हाँ, तो हिस्टोरी यहाँ की ऐसी है दोस्तों, सबसे पहले हिस्टोरी बता देता हूँ मैं। एक परिवार था जिनमें 7-8 जने रहा करते थे, मतलब कि हवेली टाइप की, कोई छोटी सी हवेली होती है ना उस टाइप का, मतलब कि यहाँ पे बना हुआ है कुछ, यहाँ पे पीछे दिखाना भाई, एक भी यहाँ से दिखेगा नहीं, माफी चाहता हूँ। पहाड़ों में भी मतलब कि मतलब पेड़ पौधे ज़्यादा हैं यहाँ पे। तो यार परिवार रहा करता था, एक परिवार में जो अपाइस होती है, अपाइस माँ थी और उसका बच्चा था 13 से 14 साल का, बताया था भाई है ना, 13 से 14 साल का, और उसकी माँ थी जो अपाइस थी, ठीक है। तो एक दिन ऐसा हुआ, कुछ खाना बना रही थी उसकी माँ, और आपको पता है सभी आज से 30-35 साल पहले गैस हुआ नहीं करता था, चूल्हे हुआ करते थे गाँव में। तो यार चूल्हे के पास कुछ लकड़ियाँ पड़ी थी और कुछ घास पड़ी थी, तो उस बच्चे ने घास मतलब कि घास पड़ी थी तो चूल्हे के पास खींच लिया, उसने चूल्हे के पास खींचना, वो घास अचानक से बहुत तेज आग लगने लग गई और आग में उस बच्चे जल के उस बच्चे की भयानक और दर्दनाक मौत हो गई, और माँ अपाइस होने के कारण अपने बच्चों को बचा नहीं पाई, और पास में लोग भी थे बट घास ज़्यादा होने के कारण आग को काबू नहीं किया गया दोस्तों, ठीक है। उसी को लेके यहाँ पे जो भी भैंस बकरियाँ अपने जो गाँव से लोग आते हैं ना, उनको कहना है कि वो बच्चा आज भी यहाँ पे दिखाई देता है, और इसी के साथ चिल्लाने की और रोने की आवाज़ आती है देर रात को, और दिन में भी बच्चा दिखाई देता है लोगों को, ठीक है। तो वही चेक करने आपका भाई आ पहुँचा है आज ऐसी लोकेशन में, कैमरे पे गौतम है, क्योंकि आप सभी बताए कि नरेंद्र है जो यार उसकी हालत अभी तक भी डाउन सुधार नहीं है, तो भाई को लेकर आया हूँ बिना टाइम वेस्ट किया आप सभी का, चलता हूँ सीधा लोकेशन पे। उससे पहले जो भी भाई लोग नए हैं ना चैनल पे, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, चलो ठीक है दोस्तों। तो भाई चलते हैं सीधा, मेरे हिसाब से एक ही साइड हो जगह, कॉफी कॉफी नीचे साइड तो नहीं है, एक बार चारों तरफ घूम ले, चारों तरफ घूम ले, कोई भी नहीं है, इधर है शायद, इधर क्या खाई है क्या यार भाई, इधर क्या है ये भाई, पानी का भाई, हड्डियाँ पड़ी है भैया, हड्डियाँ पड़ी है भाई, जंगली जानवर भाई, इधर करना यहाँ पे बावड़ी भी है यार, कुआं है कोई बड़ा चांद भी क्यों भाई, कीड़े आ रहे यार, चांद भी काफी ऊपर आ गया दोस्तों। आ जा सबसे पहले
दीवार देख लो, दीवार देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि कितनी पुरानी टाइप की दीवार है, बहुत पुरानी है। आजा मेरे भाई, फिर यार सामने जगह यहाँ पे जो बकरी या भैंस लेके आते हैं ना अपने, क्यों ये गाय की आवाज़ आ रही है अचानक से, ये क्या था, कैसी आवाज़ आ रही है, जिप्सी आवाज़ क्या आ रही है, ये क्या भाई सामने, हाँ भाई ये है मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से यही जो फैमिली हवेली मतलब कि वो जो फैमिली रहा करती थी ना यहाँ पे, उन्होंने एक नाम दे रखा था हवेली, अपने हिसाब से तो हवेली नहीं लगती दोस्तों, मकान ही लगते कच्चे मकान, बट ऐसा लग रहा है ना गौतम की कोई यार अपने आसपास कोई है, है यार धोखे लगा, अजीब सी फीलिंग आ रही है यहाँ पे, अजीब ही लग रहा है यार यहाँ, बहुत अजीब सा है, मोर वोर यार डर लग रहा है यार यहाँ पे, यार यहाँ क्या मधुमक्खी आई है, आराम से भाई आराम से, क्या है दोस्तों, जहाँ पे मेरे हिसाब से ओ भाई चमगादड़ अंदर था, मेरे हिसाब से ओए यही मकान है दोस्तों, मेरे हिसाब से जहाँ पे उस बच्चे की जल के इधर भी कोई रूम है, दर्दनाक मौत हुई, इधर भी कोई रूम है यार भाई, डर लग रहा है तेरी कसम रोंगटे खड़े हो गए तो भयंकर तरीके से, मेरे तो ऐसा लग रहा है मेरे को कोई चीज फॉलो कर रही है भाई, जब से मैं वहां से निकला हूँ कोई चीज ऐसा लग रहा है मुझे फॉलो कर रही है भाई, प्रिंस सच्चे में बोल रहा हूँ मैं भाई, कोई चीज जो मेरे पीछे आ रही है यार, यार कहीं का घोसला है, ये देख भाई ये देख, क्यों शायद वो किस्सा यहीं के, देख आग जली हुई है और देख ऊपर यहाँ दीवार पूरी काली हो रखी है, शायद यही हो सकता है, हाँ भैया कि पूरा ही काला पड़ा, देख ये घोसला अब यार तेरे को बोल रहा हूँ यार, मेरे को कोई चीज है जो फॉलो कर रही है यार भाई, वही तो समझ यार सच्ची में अजीब ही लग रहा है यार भाई, एक मेरी बात सुन, मैंने जो गांव में सुना था ना उन्होंने बोला कि यहाँ पे बड़ी फैमिली रहा करती थी, तो सेम टू सेम उधर गया था ना वैसे वैसे इधर भी है, सेम टू सेम बन रही है अपने का, इधर देख
इधर भी आग जली हुई है। वही है ना ये लोहे का, ये देखो अभी के जमाने में ऐसी चीज कोई भी नहीं कर सकता भाई, पत्थर के अंदर छेद करके ये लोहे का निकाला हुआ है, ये देख खिड़की बनाई हुई है हवा के लिए। आगे जान भाई आगे जान, इधर मटके रखने का रखो। तो ऐसा रहे हमारे साथ लोकेला कोई और भी है दोस्तों, बट ऐसी कोई चीज नोटिस नहीं हुई अभी तक यहाँ पे यार मेरे को। ये जैसे तो बिल्कुल घास है ना यहाँ पे इतनी भयानक लगी हुई है, कोई भी नहीं लग रहा मेरे को यार भाई नीचे उतर यार। बोलते ना वो चीज गौतम है ना तो वो सामने आती है। ठीक है बनना है आजा भाई देख क्या फिर से देख खून देख खून ये तो क्या होता बकरी बकरी के होंगे भाई। गौतम भाई किसी जानवर की भी हो सकते हैं भाई, ठीक है कंफर्म नहीं कर सकते। आजा भाई अरे कोई है यार मैं पितर को बोल रहा हूँ यार कोई था यार कोई रोया एकदम से कुछ चीज दिखी तेरी कसम भाई कहाँ पे कुछ झलक देखी मैंने भाई साहब। भाई झूठ तो नहीं बोल रहा तू। अरे बहुत डरावना था यार प्रिंस कहाँ पे। अरे इस पिलर के पास है इस पिलर के पास। हाँ हाँ यहीं पे हाँ ये देख लिया होगा भाई। अरे पिलर के पास मेरी जान यार भाई समझना यार मैं जब से यहाँ घुसा हूँ तब से अजीब अजीब सी चीजें हो रही यार। भाई ये जगह ही ऐसी है सुनसान है यार। भाई उसकी आंखें ऐसी डरावनी यार लाल चुट आंखें हो रही थी उसकी एकदम लाल। तू जा मैं नहीं यार अंदर यार बाहर ही खड़ा हूँ। क्यों मजाक कर रहा है भाई मत यार। अरे यार इसी जगह खड़ी थी यार चीज जैसे कोई बच्चा जब अपने घर में अपने बच्चे को पिलर के पास खड़ो किया जैसे आवाज नहीं देते उस तरीके से भाई वो चीज थी यार। सीरियसली भाई कोई है कोई भी हमारे दो के अलावा कोई चीज तेज आवाज आ रही है। देख फिर से आवाज आई बोल रहा हूँ तेरे को भाई भाई साहब कोई खड़ा है आग के पीछे देख शायद कोई मैं बोल रहा हूँ कोई है इसके पीछे भाई कैमरे में चीज दिख रही है वो चीज दिख रही है क्या। हाँ भाई मेरे को नहीं दिख रहा मम्मी कैसे भाई थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कुछ भाई प्रिंस निकल ले यार भाई बोल रहा हूँ यार भाई तो ये चीज़ यार। मैं बोल रहा था ना इस रूम में इस कमरे में आग लगी देख 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 आगे से घूमी मैं बोल रहा था इसी कमरे में जो हादसे हुए थे ना शायद इसी में था जब दिखाया था तेरे को भाई प्रिंस पीछा जा यार आग जल रही है उसमें ऑटोमेटिक भी नहीं पता मेरे को भाई चल ले पीछे जा बोल रहा हूँ मैं चीज देखी उस चीज को दो बार देखा है मैंने वहाँ पे आग के पीछे आग के लपटे कैसे उड़ रही है निकल भाई भाग यहाँ से यार को बोल रहा हूँ सही में यार कुछ चीज है हाँ यार भाई आजा इधर इधर यहाँ पर देखो यहाँ पर जल्दी वो देख रो रहा है रोने की आवाज़ आई देख हाँ रोने की आवाज़ आई अभी तक आग लग रही है
हमको दिख तो नहीं रहा, दिख नहीं रहा कुछ, रोने का। चल 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 आग जल रही है बीबी। ओ भाई साहब छत्ता है मधुमक्खी का, मधुमक्खी का छत्ता है। भाई निकल यहाँ से यार, बोल रहा हूँ तेरे को निकल यार। तो एक मिनट। ओए ओए दिख रहा क्या? और एक मिनट लाइट तेज करता हूँ। देख यहाँ पकड़ा कोई, ये देखिए। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। और भाई कहते एक मिनट फोन तो तेरी भाई झुमकर भाई नहीं हो पा रहा तो मुझे दे भाई, दिखाना जरूरी है भाई। तो वो घड़ा अगर दिखाई नहीं ना प्रभाव नहीं करेगी भाई कोई भी। प्रभार कौन है यार? देखिए कोई खड़ा है। कौन है खड़ा? कोई वो गायब हो गया। गायब हो गया, गायब हो गया, आगे गया ना मैं। गायब हो गया, खड़े खड़े गायब हो गया वहां से। भाई निकल यहाँ से, बोल रहा हूँ चीज़ें। भाई निकल, सही बोला था यार गांव वाले। भाई चांदनी से यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं। भाई निकल जा प्रिंस, बोल रहा हूँ निकल जा, मजाक में मतलब चीज को निकल जा भाई। आ जा पीछे, आ जा। नहीं है वो, आग अभी भी जल रही है। आग लग रही है भाई, आग अभी भी जल रही है। भाई भाग, वो शायद दिखाना चाह रहा है कि मैं ऐसे इस तरीके से जलाऊं आग। उसको शायद मुक्ति नहीं मिली यार, इसको ये जो भी है इसको मुक्ति नहीं मिली है यार। भाई साहब मेरे समझ में नहीं आ रहा भाई यार, हमने दोनों कमरे के अंदर जाके है ना, ऊपर तीन बार गए थे। ठीक है तीन बार गए ऊपर जाने का नहीं था। हाँ कैसे लग रही है यार, कमरे अभी भी जल रही है भाई। देख अभी भी जल रही है आग। हाँ वो देख अभी भी जल रही है। भाई गौतम भाई चलाओ भाई अपने साथ, चलाओ अभी निकल भाई, निकल।